नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। 22 मार्च 2020 रविवार का दिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जनता कर्फ्यू की अपील की गई। इस जनता कर्फ्यू की अपील का सिवनी में व्यापक असर देखने को मिल रहा है। सड़कें सूनी हैं, इक्का दुक्का लोग ही सड़कों पर दिख रहे हैं। संभवतः वे भी जरूरी कामों के चलते अपने घरों से बाहर हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की टीम में हमारे वरिष्ठ संपादक शरद खरे, विशेष प्रतिनिधि महेश रावलानी, नगर के हमारे प्रभारी प्रतिनिधि अखिलेश दुबे, अयूब कुरैशी, सादिक खान, संजीव प्रताप सिंह हमारे विशेष प्रतिनिधि, इनके साथ दो प्रशिक्षु पत्रकार जिन्हें पत्रकारिता में कुछ रुचि है, शैव और ऋषिना, इन सभी के द्वारा शहर का जायजा लिया गया। रविवार 22 मार्च को शहर स्वस्फूर्त बंद नजर आया। लोगों ने अपने स्वविवेक से निर्णय लेते हुए सड़कों पर ना आने की प्रधानमंत्री की अपील को का पूरा सम्मान किया। ये आप नज़ारा देख सकते हैं। इसके पहले हम नेहरू रोड से नगरपालिका तक आए, सड़क पे बहुत ज़्यादा चहल पहल नहीं दिखी। ये प्राइवेट बस स्टैंड के बाद सरकारी बस स्टैंड का नज़ारा देखिए। यहाँ पुलिस मुस्तैद है यातायात पुलिस थाने में, इसके अलावा यातायात पुलिस चौकी में। ये देखिए पेट्रोल पंप भी लगभग सूने हैं। कुछ लोग सड़कों पर यहाँ वहाँ निकल रहे हैं, पर ये इनकी उपस्थिति शहर की अमूमन आम दिनों की आवाजाही में महज ये मान लीजिए कि दशमलव में भी, प्रतिशत में भी इसे नहीं माना जा सकता। अब हम ऐतिहासिक दलसागर तालाब के बाजू से गुजर रहे हैं। इस सड़क पर भी आप देख सकते हैं सड़क लगभग सूनी है। जो लोग बाहर से आए हैं, हालांकि सार्वजनिक परिवहन लगभग बंद है अंतर्राज्यीय, पर सिवनी को जो टोटल लॉकडाउन किया गया है उसके बाद कुछ लोग अपने साधनों से आ रहे होंगे, तो उन्हें यहाँ जब सार्वजनिक परिवहन शहर के अंदर का नहीं मिला होगा तो पैदल भी चल रहे हैं। ये BSNL के सामने भैरवगंज जाने वाली सड़क। अब हम आगे बढ़ते हैं जनपद पंचायत सिवनी के कार्यालय के सामने से। आप ये देखिए किस तरह स्वस्फूर्त बंद नज़र आ रहा है। ये आप देखिए गलियों के नज़ारे देखिए। अलग अलग रिपोर्टर्स, अलग अलग संवाददाता, प्रतिनिधि, संपादक सभी मिलकर रविवार 22, ये बुधवारी बाजार का नज़ारा है, 22 मार्च को शहर किस तरह से जनता कर्फ्यू के साए में रहा। जनता कर्फ्यू जबरदस्ती नहीं लगाया गया है। जनता कर्फ्यू जनता के द्वारा अपने खुद के विवेक से घरों में कैद रहने की बात सोची गई है, कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए। कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अभी संजीव प्रताप सिंह से जो बात हो रही थी उस बात के दौरान उन्होंने एक बात कही है, देखिए आप। नगरपालिका के सामने चारों ओर सड़कें बिल्कुल सूनी पड़ी हुई हैं। तो संजीव प्रताप सिंह का कहना था कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान असहयोग आंदोलन सितंबर 1920 से फरवरी 1922 के बीच राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा उस समय असहयोग आंदोलन का आगाज किया गया था। असहयोग आंदोलन को देश भर में जबरदस्त सफलता मिली थी। असहयोग आंदोलन के अलावा अगर भारत छोड़ो आंदोलन की बात की जाए तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया गया था। पराधीनता से स्वाधीनता की तरफ कदम बढ़ाने के लिए इस तरीके के आंदोलन किए गए। जनता स्वस्फूर्त तरीके से, जनता अपने खुद के कहा जाए कि खुद से ही इस तरह के आंदोलनों में कूदी, पर
एक बात यहाँ बहुत विशेष और गौरतलब मानी जाएगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा महज 20 से 25 मिनट के राष्ट्र के नाम संबोधन में जनता कर्फ्यू का की अपील की गई थी और आज़ादी के बाद शायद पहला ही कोई प्रधानमंत्री ऐसा होगा जिसकी बात को पूरे देश ने माना हो, पूरा देश घरों में कैद है। कोरोना वायरस निश्चित तौर पर जिस तरीके का विश्व का नज़ारा दिख रहा है, जो परिदृश्य दिख रहा है, उस परिदृश्य को देखते हुए कोरोना वायरस की में अनेक चीज़ें, अनेक बातें सामने आ रही हैं। हालांकि सरकार, ये देखिए, ये जैन संप्रदाय की माता जी ये कहीं विहार कर रही हैं। अमूमन इन लोगों के साथ भी बड़ी संख्या में अनुयायी होते हैं, पर संभवतः माता जी ने भी इनके अनुयायियों को मना किया होगा कि इस संक्रमण के चलते, संक्रमण की संभावनाओं के चलते सड़कों पर ना निकलें। ये देखिए, हाथ ठेले, सब कुछ आपको थमा दिख रहा होगा। तो बात हम कर रहे थे कोरोना वायरस के संबंध में। कोरोना वायरस, ये प्राइवेट बस स्टैंड प्रवेश मार्ग देखिए, तो कोरोना वायरस के संबंध में इशारों इशारों में ही सारी चीज़ें समझाई जा रही हैं। चूँकि आपाधापी या बहुत पैनिक ना हो जाए मामला, इसलिए हुक्मरानों के द्वारा भी इशारों में, प्रशासन के द्वारा भी इशारों में बताया जा रहा है कि इस वायरस के संक्रमण को रोकने की दिशा में कदम उठाएं, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें, भीड़ लगाने से बचें, सभाएँ करने से बचें। ये सारी चीज़ें, ये स्थितियाँ हैं। और एक बात और जो उभर के सामने आ रही है कि अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्र को किसी बात को लेकर संबोधित किया गया है, ये प्राइवेट बस स्टैंड का नज़ारा आप देखिए, प्राइवेट बस स्टैंड भी पूरी तरह सूना पड़ा हुआ है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की टीम, वरिष्ठ संपादक शरद खरे, विशेष प्रतिनिधि महेश रावलानी, संजीव प्रताप सिंह, शहर को संभालने वाले समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के अखिलेश दुबे, अयूब कुरैशी, सादिक खान, ये सारे लोग इस शहर की क्या स्थिति है, शहर में जनता कर्फ्यू किस तरीके से सफल हो रहा है, सुपर डुपर हिट हो चुका है, ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो जो हम आपसे चर्चा कर रहे थे कि अगर प्रधानमंत्री किसी देश का किसी विषय पर राष्ट्र को संबोधित करे तो ये मान लिया जाना चाहिए कि वो बहुत गंभीर और आवश्यक बात है। इसको देखते हुए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की टीम के द्वारा भी, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया प्रबंधन के द्वारा भी आम जनता से ये अपील की जाती है कि जब तक सरकार, प्रशासन, सूबाई सरकार आपसे इस तरीके की अपील करे कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, भीड़ ना लगाएं, तो उसका पालन सुनिश्चित अवश्य करिए। जो भी निर्देश, दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं वो आपके स्वास्थ्य को लेकर ही, आपकी चिंता सरकारों को, हुक्मरानों को है, इसलिए वो इस तरीके की स्थितियां बना रहे हैं। सिवनी को लॉकडाउन करने की बात दो दिन पहले समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया और दैनिक हिंद गजट के द्वारा प्रशासन से अपील की गई थी, उसके बाद एक दिन के बाद प्रशासन के द्वारा सिवनी को लॉकडाउन किया गया। 23 मार्च सुबह 6 बजे तक टोटल लॉकडाउन रहेगा। 22 मार्च को अभी लगभग 1:45 बजे हैं। आम जनता से अपील है कि आज की रात तक और घरों में रहकर अपने परिवार के साथ समय बिताएं, अपने घर के पड़ोस के लोगों से भी अगर आप दूर रहें तो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। ये मॉडल रोड का नज़ारा आप देखिए, सूनी पड़ी मॉडल रोड। सिवनी शहर के निवासियों को दिल से धन्यवाद, सुपर डुपर हिट जनता कर्फ्यू के आगाज के लिए।
इस मामले में एक बात और विशेष उल्लेखनीय समझ में आ रही है कि इस पूरे जनता कर्फ्यू के लिए प्रशासन के द्वारा कहीं सख्ती नहीं की गई। आप देख रहे होंगे कि कहीं भी आपको सड़क पर कोई भी पुलिस का जवान, सरकारी वाहन ये भी दिखाई नहीं दे रहे हैं जो सख्ती करें कि आप यहां क्यों घूम रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जनता खुद अब इस मामले में होशियार हो चुकी है, जनता खुद चाह रही है। इस तरह से आपने ये सारी चीज़ें देखी। ये है शहर का एकदम पॉश इलाका माना जाने वाला बाहुबली चौराहा। आप देख रहे हैं ये बाहुबली चौराहे में, आप देखिए चौराहा बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, यहाँ आवाजाही बिल्कुल थमी हुई है, इक्का दुक्का गाड़ियाँ भर निकल रही हैं। ये देखिए गाड़ी आ रही है। तो हमारा कहना यही है कि जनता को सलाम, जनता के जज्बे को सलाम, जनता के द्वारा जिस तरीके से जनता कर्फ्यू का सम्मान किया गया है उसके लिए जनता को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की टीम आप सभी का आभार व्यक्त करती है, आप सभी का अभिनंदन करती है। नमस्कार।